तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर में हिंदू व्यक्ति ने अपनाया इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म अपनाने पर अब यूपी पुलिस पूरे परिवार को कर रही है परेशान, दे रही है धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगू बॉर्डर पर फ्री में चिकन निहंगे सिखों को ना देने पर निहंगे सिखों ने व्यापारी की तोड़ दी टांग, बढ़ गया है तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी के महिला कार्ड से उत्तर प्रदेश में डरी बीजेपी आरएसएस। बीजेपी आरएसएस में महिलाओं को टिकट देने को लेकर पड़ गई फूट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन टीकों को लगाने पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला और बताया इसे फर्जी, कहा 70 दिन में कैसे लग सकती है 107 करोड़ कोरोना वैक्सीन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद मोदी सरकार से CAA कानून जल्द से जल्द देश में लागू करने की मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने अंतरिक्ष से दूसरी बार दागी महाविनाशक मिसाइल, दहशत में भारत और अमेरिका, बढ़ गई दुनिया भर के देशों की टेंशन। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हिंदू व्यक्ति ने अपनी मर्जी से अपनाया इस्लाम तो यूपी पुलिस दे रही है उसे हिंदू बनने की दोबारा धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अब यूपी पुलिस लगातार उससे परेशान कर रही है और धमकी दे रही है कि वह फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो उसको जेल में डाल देंगे। वहीं आपको बता दें कि उसकी पत्नी ने मुसलमान बनने पर यूपी के नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत FIR भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस लगातार उसे प्रताड़ित कर रही है। भैया आपको बता दें कि मुस्लिम बनने वाले व्यक्ति पेशे से ट्रक ड्राइवर है, उसका नाम विजय कुमार सोनकर है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि पति मुसलमान बनने के बाद मुझे भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाता है, मेरे साथ मारपीट करता है। जब वह मेरे साथ मारपीट करता है तो मेरे ससुर भी उसी का साथ देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। भैया आपको बता दें कि इस मामले में उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का सहारा लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे बेल दे दी, जिसके बाद योगी सरकार को बड़ा झटका लगा। भैया आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद सोनकर ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी उसकी पत्नी को बहला फुसका कर मेरे खिलाफ लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भी इस्लाम धर्म यूपी में कबूल करता है तो पुलिस उसे कबूल नहीं करने दे रही और प्रशासन पूरा दबाव उस पर बना रहा है, जबकि मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई हिंदू धर्म अपनाता है तो उसका साथ देती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगू बॉर्डर पर फ्री में चिकन ना देने पर निहंगे सिखों ने व्यक्ति का तोड़ दिया पांव, बड़ा तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास निहंगे सिखों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा कि आज मुफ्त में चिकन ना देने पर एक मजदूर से मारपीट करते हुए निहंगे सिखों ने उसकी टांग तोड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने निहंगे सिख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर मुफ्त में चिकन देने से मना करने पर एक मजदूर के साथ मारपीट कर उसकी टांग तोड़ने का आरोप एक निहंगे सिख नवीन कुमार पर लगा है और उससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और FIR भी दर्ज कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार निहंगे सिखों का आतंक सिंगू बॉर्डर पर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका के महिला कार्ड से डरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस। आरएसएस ने योगी सरकार को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इसी कवायद के बाद अब आरएसएस बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों की बैठक में आरएसएस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री VL संतोष ने सबको खरी खरी सुनाई है और कहा है कि बीजेपी महिलाओं को सिर्फ अक्षत और तिलक तक ही सीमित ना रखे, उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का यूपी में ऐलान किया था, जिसके बाद भाजपा और आरएसएस के पांव फूल गए हैं। भाजपा और आरएस अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। आरएसएस ने बीजेपी को खरी खरी सुनाई है और कहा कि आप भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में टिकट दें, नहीं तो बीजेपी चुनाव यूपी में हार जाएगी। तो ये बड़ा झटका प्रियंका गांधी ने यूपी में भाजपा और आरएसएस को दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, बताया फर्जी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि बुधवार को पूरे देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग गई और अब 100 करोड़ से ऊपर कोरोना वैक्सीन देश की जनता को लगाई जा रही है। मैं आपको बता दें कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मोदी के दावे पर अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बताए कि 70 दिनों में आखिरकार कैसे 107 करोड़ कोरोना की वैक्सीन मोदी सरकार ने देश की जनता को लगा दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज अभी तक नहीं लग पाई, जबकि 20-30 लाख वैक्सीन ही कोरोना की लग पाई, लेकिन मोदी सरकार ने 70 दिनों में आखिरकार कैसे 107 करोड़ कोरोना वैक्सीन देश में लगा दी। अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है, जबकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे फर्जी भी बताया है और कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन 40-50 हजार लगाई है, लेकिन देश की जनता को उल्लू बनाने के लिए 100 करोड़ का दावा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से CAA कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग। ये दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हमले के बाद देश में विरोध इसका बढ़ता ही जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र की मोदी सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को जल्द देश में लागू करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जब देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा तो जिस किसी भी देश में हिंदुओं पर हमले होंगे उन देश के को हम भारत में लेकर आएंगे और यहाँ की नागरिकता देंगे और उन्हें यहाँ पर रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठन लगातार जनसंख्या कानून लागू देश में करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए और 2 बच्चे व्यक्ति को पैदा करने चाहिए, लेकिन दुनिया भर के हिंदुओं का ठेका इन हिंदू संगठनों ने भारत के ले रखा है और अब एक तरफ कह रहे हैं कि जिस भी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे उसे हम भारत की नागरिकता देंगे और उसे यहाँ पर बसाएंगे, क्या इससे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी मांग विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया। आपकी क्या राय, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर किया हमला, कहा जनता के साथ देश में चल रहा है घिनौना मजाक। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि देश की जनता के साथ घिनौना मजाक चल रहा है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि केंद्र सरकार हमारी जनता के साथ घिनौना मजाक कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बृहस्पतिवार को 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी, जिसके साथ देश भर में ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ जो है महंगाई पहुंची है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के मूड में ही नहीं दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाढ़ पीड़ितों के हालात पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने योगी को लिया आड़े हाथ, बोले सरकार की देश में क्या है अब जरूरत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। पिछले दिनों वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा था, तो वहीं अब बाढ़ पीड़ितों के हालात पर वरुण गांधी ने एक बार फिर से प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। वरुण गांधी ने कहा है कि अगर आम आदमी को उसके हालात पर ही छोड़ दिया जाएगा तो फिर सरकार का क्या मतलब है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर सहित पूरे तराई इलाके में बाढ़ आई हुई है और लोगों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। लोगों को पर्याप्त मदद नहीं मिल पाने से सांसद वरुण गांधी बीजेपी से नाराज दिखे और बाढ़ के दौरान वरुण गांधी स्वयं अपने लोग के बीच पहुंचे और उनने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को जो है मदद पहुंचाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वरुण गांधी ने ये बड़ा हमला अपनी ही सरकार पर बोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने अंतरिक्ष से दूसरी बार दागी महाविनाशक मिसाइल दहशत में दुनिया के वैज्ञानिक। जो दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दादागिरी दिखा रहे चीन ने दूसरी बार अंतरिक्ष से तबाही मचाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन की ये महाविनाशक मिसाइल परमाणु बम गिराने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल धरती पर मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। इस तरह चीनी मिसाइल को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अभी ये क्षमता अमरीका जैसी सुपर पावर के पास भी नहीं है। बताया जा रहा है कि चीन ने यह नया मिसाइल परीक्षण 13 अगस्त को किया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे परीक्षण में भी चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल किया है। इसे चीन ने लॉन्च मार्च रॉकेट से जुलाई में अंतरिक्ष में भेजा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पूरी
दुनिया में अब सबसे ताकतवर देश चीन बन गया है और कोई भी देश अब चीन की टक्कर नहीं ले सकता। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आमिर खान के विज्ञापन पर बीजेपी नेता अनंत हेगड़े को ऐतराज, बोले नमाज के वक्त भी जाम होती है सड़कें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान द्वारा लोगों को सड़कों पर पटाखे न जलाने की सलाह दिए जाने से संबंधित टायर कंपनी सीएट लिमिटेड के विज्ञापन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कंपनी को नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध किए जाने और अजान के दौरान मस्जिदों से निकलने वाले शोर संबंधित समस्या का समाधान भी करना चाहिए। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत वर्धन गोयनका को लिखे एक पत्र में हेगड़े ने कहा कि वह हिंदुओं में रोष उत्पन्न करने के वाले हालिया विज्ञापन का संज्ञान लें। दरअसल आपको बता दें कि आमिर खान ने अभी एक विज्ञापन किया है। इस विज्ञापन में आमिर खान ने संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर पटाखे दिवाली के दौरान ना छोड़े, क्योंकि इससे प्रदूषण तो होता ही होता है और लोगों की जान भी जोखिम में जाती है। भाई आपको बता दें कि इतने विज्ञापन पर ही बीजेपी नेता नाराज हो गए और कह रहे हैं कि भैया नमाज पढ़ने से भी जो है लोगों को सड़कें जाम की जाती हैं और उन्हें परेशानी होती है, इसका भी सलूशन पर विज्ञापन आमिर खान बनाएं। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल